जय हिंद दोस्तों। आज एक नया सेशन में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि वैकेंसी रिलीज हुआ है, जो कि हाल की ओर से वैकेंसी रिलीज किया गया। देखो अभी क्या है कि चुनावी माहौल है, तो अभी वैकेंसी परमानेंटली बहुत ही कम आ रहा है, मतलब न के बराबर आ रहा। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी रिलीज किया गया, ज़्यादातर वैकेंसी रिलीज किया जा रहा है, मतलब कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रिलीज किया जा रहा है। तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी है क्या कि बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप रहेगा, तो कोल माइन में हो गया, फिर NVS में हो गया, या फिर बहुत सारे रेलवे में हो गया, बहुत सारे जगह हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मैं फॉर्म को फिलअप करूँगा, उसमें हमको वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, अब देखो हाल की ओर से वैकेंसी रिलीज किया गया, यहाँ पर ITI और डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी रिलीज़ किया गया। लगभग 320 पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुआ टोटली। हालांकि मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए, ITI वाले के लिए, और मैं डिप्लोमा वाले को लिए मैं दिखा दूँगा, टेंशन ना लो। अब देखो ये जो वैकेंसी रिलीज़ किया गया 6/5/2024 को ये PDF रिलीज़ किया गया, यहाँ पर देख सकते हो डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया भी गया, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग्स डेवलपमेंट्स, यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ओके, डिविजनल और यहाँ पर हैदराबाद है इसका। और देखो यहाँ पे जो एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिस इन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हैदराबाद अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 वाला। अब देखो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे जरूरी बात, यहाँ पे एक साल का आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे अपना वो ट्रेड देख लो, ठीक है, जैसे कि आप लोग का यहाँ पे 14 ट्रेड को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया, रेफ्रिजरेशन AC से हो गया, कोपा हो गया, प्लम्बर हो गया, प्रिंटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, मोटर व्हीकल मैकेनिक हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो गया। ये सभी लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ओके, अब अपना देख लेना किसमें हो आप लोग का ITI मतलब कंप्लीट है और कौन सा ट्रेड है आपका, तो उसमें आप लोग का यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग का दिया गया पूरा वैकेंसी यहाँ पे दिया गया, जैसे कि आप लोग का 55 है, यहाँ पे देखो 55, 35, 25, 8, 6, 3, 2, 55, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 1 इसी दिया गया। उसके बाद से पास एट यहाँ पे ITI द रिस्पेक्टिव ट्रेड NCVT द्वारा आप लोग का अप्रूव होना चाहिए, डिग्री जो भी है वो NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ NCVT ध्यान रखना, SCVT नॉट फॉर एलिजिबल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अप्रूव्ड ओनली NCVT, यहाँ पे अप्रूव्ड ओनली लिखा हुआ, तो मतलब क्या कि NCVT ही ये वैलिड होगा। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे दिया गया, बस NCVT से पास हो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे आप लोग को पैसा आप लोग को 7,000 से 8,000 के 9,000 के आसपास में आप लोग को दिया जाएगा स्टाइपेंड के तौर पर आप लोग को पर मंथली। ओके, जो भी टर्म एंड कंडीशन होगा जो सेंट्रल लेवल वाला, तो वो चीज़ मिलेगा। आप देखो यहाँ पे जो आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम है, वॉकिंग आप लोग का डेट है, टेंटेटिव यहाँ पे, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, 20, 21, 22, 23 को आप लोग का होने वाला है। तो यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे आप लोग का कोई एग्जाम उग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ ले के जाइएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ वॉकिन फॉर वेरीफिकेशन इन ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ फोटो कॉपी भी लेके जाना है आप लोगों को, और आप लोग का ओरिजिनल भी लेके जाए। ओरिजिनल आप लेंगे नहीं वो लोग, बस वो देखेंगे, ठीक है ना, विजिट करेंगे, उसके बाद से आप लोग का टू कॉपी जो भी रहेगा वो सब चीज़ आपसे मांग लिया जाएगा कि टू कॉपी दे दीजिए। और आप लोग से वॉकिन इंटरव्यू में आप लोग का जो भी ट्रेड होगा उसी से क्वेश्चन, जो भी ब्रांच होगा उसी से क्वेश्चन आपका रहने वाला, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ आप लोग का ये सब कंपलसरी है। ठीक है, ITI पास सर्टिफिकेट ऑल सेमेस्टर लेके जाइएगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन फोटो कॉपी हो गया, फोटो कॉपी लेटेस्ट वाला फोटो कॉपी ले लीजिए, 3-4 फोटो ले लीजिएगा। ओके, और सब चीज़ यहाँ पर लिखा गया, टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है सब चीज़ यहाँ पर लिखा गया, हालांकि कुछ और कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। ओके, अब ये तो ITI वाले के हो गया, मैं डिप्लोमा वालों को मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए ये डिप्लोमा वाले के लिए और डिग्री वाले के लिए, BTech वाले के लिए है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, ये भी 1961 वाला है। अब देखो यहाँ पे 64 सीट अपना वैकेंसी निकला हुआ है, जैसे कि आप लोगों का ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, जो भी करना चाहते हैं मतलब ग्रेजुएट है तो आप लोग एलिजिबल, जैसे कि अभी BTech किए हो तो आप लोग एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हो, सिविल से किए हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस से हो, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से भी हो कोई दिक्कत नहीं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से भी हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, BTech वगैरह किए हो आप एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे अपना ब्रांच देखना, फिर डिप्लोमा किए हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ठीक है, मैकेनिक से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, सेम टू सेम वही वाला यहाँ पर भी और यहाँ पर भी
वही सेम टू सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन का बस यहाँ पे एक थोड़ा सा फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन वाला यहाँ पे वो चेंज हो गया है। उसके बाद से आओगे तो यहाँ पे बीएससी वीसी किए हो, बीकॉम वीकॉम किए हो, आप एलिजिबल हो। यहाँ पे देख लेना जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से, केमिस्ट्री से, कंप्यूटर से बीकॉम किए हो, आप एलिजिबल हो। यहाँ पे 25 सीट है, यहाँ पे 35 सीट है, उसमें 64 सीट है वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। ओके यहाँ पे देख लो। उसके बाद से नीचे आओगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर सब चीज़ यहाँ टर्म एंड कंडीशन लिखा गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर भी आप लोग को वॉल्क इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होने वाला, तो 9 बजे से पहले आप लोग पहुँच जाइएगा। रिपोर्टिंग टाइम है यहाँ पे 23/24/24 को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इंजीनियरिंग है जैसे कि बीटेक वाले के लिए, यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में, ये बीटेक वाले के लिए 23/5 को, डिप्लोमा वाले के 24 को, और यहाँ पे जो बीएससी किए हुए हैं ठीक है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं बीएससी इंजीनियरिंग से, जैसे कि आप लोग का यहाँ पे था ब्रांच में दिखाता हूँ, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिस्ट्री है और कंप्यूटर है, तो ये लोग एलिजिबल है यहाँ पर जाने के लिए। और यहाँ पर डेट मैंसन किया गया, ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके एड्रेस यहाँ पर दिया गया, यहीं पे आप लोग को जाना है। ओके यहीं पे आप लोग को जाना है और सब चीज़ लेके जाना है। क्या क्या लेके जाना है मैं पहले ही बता चुका हूँ उस वीडियो में, मतलब वहाँ पे आईटी वाला पे, यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ है जो सरकार वैलिड मानती है, तो सब चीज़ लेके जाइएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गए, जाति आवासीय, हाई स्कूल का मार्कशीट, जो भी डिग्री है वो सब चीज़ लेके जाइएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट सब चीज़ लेके जाइएगा अपना। ओके तो यहाँ पे डिटेल में पूरा मेंशन किया गया, इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया। रिटर्न टेस्ट यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है, ये लोग रिटर्न टेस्ट भी ले, थोड़ा मोरा क्वेश्चन हो सकता है ये लोग लिखवाओ वाले, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं। वैकेंसी तो आने लिए परमानेंटली, लेकिन जो भी आ रही है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए भारत आई टी आई जॉब में। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।